सो के मैंने सो एग्जी मिलगा मैं सो 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 के। के अच्छा पढ़ा कुछ नहीं, बस सोए रहे हैं हम। नहीं मिस, मैंने पढ़ा, मैंने चैप्टर नंबर फोर को मैंने अब हाफ पढ़ा है चैप्टर नंबर फोर। उसमें मुझे मैंने स्टीम टेबल को डिलीट किया, मैं जिसमें कुछ अच्छी बात थी वो मैंने आपसे डिस्कस भी करनी है। ठीक है। और किसी ने स्टीम टेबल वाला चैप्टर देखा है? क्लियर है सबको? वालेकुम यस मैम। अस्सलाम मैम, ईद मुबारक। सलाम, गुज़िश्ता ईद मुबारक। मुझे अच्छा, किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है उस चैप्टर में? कोई क्वेश्चन है? अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ लें, अदरवाइज आज फिर हम एक बिल्कुल न्यू टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं। टेम्परेचर एंथैल्पी डायग्राम उसको एक दफा करंगी, थोड़ा सा रिवाइज करवा दीजिएगा। और उसके बाद है किसको रिवाइज करवाऊं? एन्थैल्पी डायग्राम को? यस मिस, टेम्परेचर एंथैल्पी डायग्राम। यस मिस, टेम्परेचर एंथैल्पी डायग्राम। जो रेनर जोल की, रेनर जोल बुक की पेज नंबर 100 पे है। लेट मी चेक। हाँ जी, और किसी ने कुछ पूछना है? हम और एक दफा बता दीजिएगा, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं, कुछ वैल्यूज ऐसे हैं जो स्क्रीन टेबल पर नहीं होती, उनको फाइंड करते हैं डिफरेंस से करके, ऐड इंटरपोल करके। नहीं, जी मैंने आप लोगों को डिफरेंस वाला मेथड नहीं करवाया, मैंने इंटरपोलेशन वाला मेथड करवाया है। ठीक है। ठीक है, आप वो आप जब फाइंड करोगे इंटरपोलेशन से, डिफरेंस से सेम वैल्यू आएगी। डिफरेंस वाले मेथड में कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है, इसलिए आप लोग सिंपल एक इंटरपोलेशन का फार्मूला आपको बताया हुआ है, आपने वही फार्मूला यूज करना है। और वो इंटरपोलेशन का फार्मूला थ्रू आउट इंजीनियरिंग आप लोगों के पास किसी भी जगह पे, अगर आप लोगों की वैल्यूज गिवन ना हो तो आप उसको यूज करते हुए फाइंड आउट कर सकते हैं। डिफरेंस वाला फार्मूला जो है वो कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। ठीक है, मैं एक दफा रिवाइज करवा डायग्राम कह रहे हैं, फोर पॉइंट सेवन दीजिएगा। फिगर नंबर 4.7। जी मिस, यही है। अच्छा, अब इस फिगर में देखो हमारे पास क्या है। दिस इज द टेम्परेचर इंथैल्पी डायग्राम। इस टेम्परेचर इंथैल्पी डायग्राम में हमारे पास ये जो कर्व आपको ब्लैक कलर की नजर आ रही है, जिसकी एक तरफ लिखा हुआ है सेचुरेटेड लिक्विड लाइन, एक तरफ हमारे पास क्या है, दिस इज द सेचुरेटेड वेपर लाइन। अब इसमें क्या है, हमारे पास बेसिकली कोई भी सब्सटेंस जो है वो थ्री डिफरेंट फेजेस में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। यहाँ पे हम जब टेम्परेचर एंथैल्पी डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो इस सेचुरेटेड लिक्विड लाइन से पीछे जो रीजन था डेट इज द सब कूल्ड रीजन। इट मीन्स सॉलिड से हमने उसको ठंड किस फॉर्म में कन्वर्ट किया है, लिक्विड में, और लिक्विड से हम फाइनली किस फॉर्म में जा रहे हैं, वेपर फॉर्म में। इस डायग्राम के ऊपर आपके पास दो ही फेजेस शो की गई हैं, सेचुरेटेड लिक्विड से लेके सेचुरेटेड वेपर तक। दिस इज कॉल्ड द वेपर डोम। ये जो आपको ब्लैक कलर का डोम नजर आ रहा है इसको हम कहते हैं वेपर डोम। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है, वो कहते हैं कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर, हमारे पास जो मिनिमम टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस है, तो जो फेज एग्जिस्ट कर रही है दिस इज द लिक्विड। अब इस लाइन के ऊपर, ये जो ब्लैक कलर की लाइन है जिसके अलोंग मैं ये कर्व मूव कर रही हूँ, इस लाइन के ऊपर किसी भी पॉइंट के ऊपर आप उठा लोगे तो यहाँ पे क्या होगा, 100% लिक्विड होगा, देर इज नो सॉलिड सब्सटांस इन मिल। अच्छा, यहाँ से जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते जाएंगे, लाइक ये देखिए 0 से लेके हमने डिस्टेंस टेम्परेचर इंक्रीज किया है, तो वो किस फॉर्म में कन्वर्ट होता जाएगा, इट इज कन्वर्टेड इनटू द सैचुरेटेड वेपर फॉर्म। वो किस लाइन में आता जाएगा, वेपर लाइन में आता जाएगा। अच्छा, अब जो इन बिटवीन रीजन आता है लिक्विड और वेपर के, यहाँ पे 100% लिक्विड है, यहाँ पे 100% वेपर है। इन बिटवीन 100% लिक्विड एंड 100% वेपर देर इज अ रीजन डेट इज कॉल्ड द वेट रीजन। अब वेट रीजन क्या है, वो कहते हैं जब लिक्विड से वेपर की ट्रांजिशन होती है तो वहाँ पे क्या होता है कि कुछ पार्टिकल्स जो हैं वो वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता, जैसे जैसे स्लोली टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो सारे के सारे लिक्विड पार्टिकल जो है वो वेपर फॉर्म में आते हैं। बट इन बिटवीन रीजन व्हेन देयर इज सम पार्टिकल्स आर कन्वर्टेड इनटू द वेपर फॉर्म एंड सम पार्टिकल आर स्टिल इन द लिक्विड रीजन, दिस इज कॉल्ड द वेट रीजन। अब वेट रीजन की जो करेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, विद द हेल्प ऑफ द ड्राइनेस फ्रैक्शन। ड्राइनेस फ्रैक्शन क्या बताती है कि जब सेचुरेटेड लिक्विड लाइन है तो ड्राइनेस फ्रैक्शन 0% है, इट मीन्स वहाँ पे जो वेपर
वेपर्स हैं वो ड्राइनेस, देखें वर्ड इसका क्या नाम है, ड्राइनेस फ्रिक्शन, इट मीन्स यहाँ पे 0% ड्राइनेस है। जैसे जैसे हम आगे मूव करते जाएंगे राइट साइड पे इस सैचुरेटेड वेपर लाइन की तरफ, ड्राइनेस फ्रिक्शन इंक्रीज होती जाएगी अंटिल वो किस लाइन के ऊपर आ जाएगी, सैचुरेटेड वेपर लाइन के ऊपर, जहाँ पे ड्राइनेस फ्रिक्शन क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। जैसे लेट से यहाँ पे ड्राइनेस फ्रिक्शन 0.75 है, इट मीन्स यहाँ पे 75% क्या है वेपर है और 25% यहाँ पे अभी क्या प्रेजेंट है, स्टिल देयर इज अ लिक्विड रीजन। तो यहाँ से जो वेट स्टीम के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हमारे पास किससे फाइंड आउट हो जाते हैं, विद द हेल्प ऑफ द ड्राइनेस फ्रिक्शन। अच्छा अब जो लिक्विड लाइन ड्राइनेस फ्रिक्शन, थोड़ा उसको बता दें कि बेसिकली इसका होता क्या है। ड्राइनेस फ्रिक्शन बेसिकली कितने परसेंट पार्टिकल्स जो है वो वेपर में कन्वर्ट हो गए। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, लेट्स से हमारे पास उसमें भी हम देखते हैं कि इसमें वेट स्टीम कितनी है और ड्राई स्टीम कितनी है। नहीं, आप उसको कंफ्यूज नहीं करें। ड्राइनेस फ्रिक्शन हमें क्या बताता है, दिस इज अ मैस ऑफ ड्राइस्ट वेपर, मैस ऑफ ड्राई सैचुरेटेड वेपर पर यूनिट टोटल मैस के अंदर क्या होगा, लिक्विड प्लस वेपर। इस टोटल मैस के अंदर जितने वेपर प्रेजेंट है, ड्राई सैचुरेटेड वेपर प्रेजेंट है, वो क्या बताता है, ड्राइनेस फ्रिक्शन आता है। लेट से आपके सामने लिखे 25% है ड्राइनेस फ्रिक्शन। अब इस 25% का क्या मतलब है, हमारे पास टोटल मैस कितना था 100%, 100 में से 25% क्या होंगे वेपर्स होंगे और 75% क्या होगा लिक्विड होगा। क्लियर है ये पॉइंट, अगर ड्राइनेस फ्रिक्शन लिखी है 95% है ड्राइनेस फ्रिक्शन। अब इसका क्या मतलब है कि 95% वेपर है, रिमेनिंग 5% हमारे पास क्या है लिक्विड है। तो अभी देखें टोटल मैस तो मेरे पास 100% रहेगा, 100 में से जितना वेपर का मैस होगा, जितनी परसेंटेज वेपर्स की होगी वो क्या डिटरमाइन करेगी, उसकी ड्राइनेस फ्रिक्शन को डिटरमाइन करेगी। अच्छा अब इस लाइन की जो इंथैल्पी होती है लिक्विड लाइन की इंथैल्पी, उसको हम HF से डिनोट करते हैं। जो वेपर लाइन की इंथैल्पी होती है वो हमारे पास HG आ जाती है, और जो इन बिटवीन इंथैल्पी होती है उसको हम क्या कहते हैं HFG आ जाती है। मैंने आप लोगों को बताया था, हमने एक जनरल फार्मूला ड्राइव किया था, अगर आप लोग अपना लास्ट लेक्चर स्टीम का रिकॉल करें, H इज इक्वल्स टू HF प्लस X इनटू HFG। ये फॉर्मूला आप एंट्रोपी के लिए, स्पेसिफिक वॉल्यूम के लिए, इंटरनल एनर्जी के लिए, सब के लिए हम इसको लिख सकते हैं। अब देखो अगर ड्राइनेस फ्रिक्शन 0 के इक्वल है तो ये टर्म 0 हो जाएगी, तो एच किसके इक्वल आ जाएगा, HF के इक्वल आ जाएगा। अगर ड्राइनेस फ्रिक्शन 1 के इक्वल है तो एच किसके इक्वल आ जाएगा, इट विल बी HF प्लस HFG। अब यहाँ से देखो मैं लिख सकती हूँ HG जो है इस सैचुरेटेड वेपर लाइन की एंथैल्पी किसके इक्वल है, HF प्लस दिस रीजन इंथैल्पी ऑफ दिस लिक्विड लाइन प्लस इंथैल्पी ऑफ दिस रीजन। तो मेरे पास वो टोटल इंथैल्पी किसकी आ जाएगी, वेपर लाइन की। तो यहाँ से देखो इंथैल्पी ऑफ लिक्विड प्लस इंथैल्पी ऑफ वेपर, तो इट मीन्स ये एच किसके इक्वल आ जाएगा, इट विल बी इक्वल टू HG। और अगर इन बिटवीन जो भी रीजन है हमारे पास वेट स्टीम का रीजन है, अगर लेट से एक्स जो है वो 25% है, तो मेरे पास एच किसके इक्वल आ जाएगा, HF प्लस 0.25 HFG। तो ये मेरे पास किसकी इंथैल्पी आ जाएगी, इन बिटवीन रीजन की। सो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला आप किसी भी पॉइंट की इंथैल्पी को इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर है ये पॉइंट? यस मिस, क्लियर। अच्छा अब यहां से miss? जी मिस, इन बिटवीन 0.5 नहीं होना चाहिए, इन बिटवीन, ये इन बिटवीन लिखा है मैंने, तो मिस वो 0.5 HFG नहीं होना चाहिए, 0.5 50%। मैंने कहा है कि इन बिटवीन कहीं पे भी, लेट्स से वो 25 है, 35 है, 50 है, 95 है, कोई भी वैल्यू हो सकती है ना एक्स की। मैंने तो जस्ट एक ऐसे रैंडम वैल्यू ली है 0.25%। ओके मिस, ठीक है। आपके यहाँ से देखो ना कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 0 से स्टार्ट हो रही है, इस लाइन के ऊपर 0 है ड्राइनेस फ्रैक्शन और इस लाइन के ऊपर 1 है, तो 0 से 1 के बिटवीन कोई भी वैल्यू हो सकती है एक्स की। क्लियर है व्यू पॉइंट? जी मिस, वो मैं समझ रहा था, वो मिस वो आप बिल्कुल सेंटर की बात कर रही हैं। नहीं, मैंने कहा
जीरो से वन के इन बिटवीन कोई भी आप वैल्यू ले सकते हो. अच्छा अब यहाँ से देखें, हमारे पास ये जो आपके सामने सैचुरेटेड लिक्विड लाइन, अब ये जो आपके पास डॉटेड लाइन शो की हुई है, इस पूरी लाइन के ऊपर ड्राइनेस फ्रैक्शन जो है वो कांस्टेंट रहेगी. इसी तरह इस पूरी लाइन के ऊपर ड्राइनेस फ्रैक्शन कांस्टेंट रहेगी और इस पूरी लाइन के ऊपर ड्राइनेस फ्रैक्शन जो है वो कांस्टेंट रहेगी. अच्छा अब टेम्परेचर जो है वो किस साइड पर इंक्रीज कर रहा है, वर्टिकली अपवर्ड टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है. एंथैल्पी किस फॉर्म में इंक्रीज कर रही है, हॉरिजॉन्टली राइट साइड पर एंथैल्पी की वैल्यू जो है वो इंक्रीज कर रही है. इट मीन्स जब हम मूव करेंगे यहाँ पे लिक्विड रीजन से जब हम वेपर रीजन में जाएंगे तो यहाँ से क्लियरली शो हो रहा है कि एंथैल्पी की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी. ए जी जो है सैचुरेटेड वेपर लाइन की एंथैल्पी वो हमेशा सैचुरेटेड लिक्विड लाइन से ज्यादा होगी. यहाँ तक ग्राफ सबको क्लियर है? अगर यहाँ तक कंफ्यूजन है तो पूछ लें. अब इस ग्राफ के ऊपर देखिए एक और आपके सामने लाइंस शो की गई हैं. ये देखिए के एल एम जी ये लाइंस आपके एफ जी एच ये लाइंस हैं. दीज आर द कांस्टेंट प्रेशर लाइंस. इट मींस यहाँ पे इस पूरी लाइन के ऊपर यहाँ से ये जो एक लाइन आ रही है यहाँ से लाइन डाउनवर्ड मूव करती है, हमारे पास प्रेशर क्या रहता है, कॉन्स्टेंट रहता है. इसी तरह यहाँ से मैं मूव करती हूँ, इस लाइन को डाउनवर्ड मूव करवाती हूँ, प्रेशर क्या रहता है, कॉन्स्टेंट रहता है. और प्रेशर इंक्रीज किस डायरेक्शन में करता है, अपवर्ड डायरेक्शन में प्रेशर की वैल्यू जो है वो इंक्रीज करती है. प्रेशर की वैल्यू इंक्रीज करती है अपवर्ड डायरेक्शन में. से इस लाइन के ऊपर प्रेशर की वैल्यू क्या है, 7.2 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. यहाँ तक आते थे प्रेशर की वैल्यू क्या होगी, डेट इज 15.5 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. सो प्रेशर की वैल्यू किस डायरेक्शन में इंक्रीज करिए, ये अपवर्ड डायरेक्शन में प्रेशर की वैल्यू जो है वो इंक्रीज करेगी. अच्छा जब हम सैचुरेटेड वेपर लाइन के ऊपर आ जाते हैं उसके बाद अगर हम फर्दर टेम्परेचर इंक्रीज करें, तो जब हम फर्दर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो वहां पे क्या होता है, प्रेशर कॉन्स्टेंट रहता है. आपने लेट से यहाँ पे देखो इस लाइन के ऊपर, मैं इस लाइन के ऊपर यहाँ से बात करी, यहाँ से टेम्परेचर वेपर लाइन से सैचुरेटेड वेपर लाइन से टेम्परेचर इंक्रीज करना शुरू किया, टेम्परेचर इंक्रीज करती जा रही हूँ बट प्रेशर क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा. तो इस तरह का रीजन जहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज करते हुए बट द प्रेशर रिमेन्स कॉन्स्टेंट, दिस इज रीजन इज नोन एज द सुपर हीटेड रीजन. अब सुपर हीटेड रीजन क्या है, बेसिकली दिस रीजन इज यूज टू क्रिएट द हायर एनर्जी कॉन्टेंट. वो वहाँ पे जो स्टीम के अंदर उसके एनर्जी कॉन्टेंट्स हैं वो क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं. बेसिकली हम कह सकते हैं स्टीम की जो एनर्जी है उसको इंक्रीज करता है वो हाई एनर्जी स्टीम जो है उसको फर्दर हम फॉल करते हैं स्टीम टर्बाइन के ऊपर, वहां से एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करते हैं. लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर प्रेशर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा. क्यों, एक दफा हमने जो हमारा सेचुरेशन प्रेशर है उसको अचीव कर लिया, उसके बाद हम प्रेशर को फर्दर इंक्रीज नहीं कर सकते. ये जो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है ये जस्ट उसके मॉलिक्यूल्स की मोशन को इंक्रीज कर रहा है. जितनी ज्यादा मॉलिक्यूलर मोशन इन्हेंस होती जाएगी वो उतना ज्यादा उसका इफेक्ट जो है एनर्जी एक्सट्रैक्ट करने का वो हम उसको इंक्रीज करते रहेंगे. सो दिस रीजन इज कॉल्ड द सुपर हीटेड रीजन. अब सुपर हीटेड रीजन के अंदर क्या है, जब हमने इस पॉइंट की सुपर हीटेड रीजन की एंथैल्पी फाइंड आउट करनी होती है, दिस इज बेसिकली द डिफरेंस ऑफ द टेम्परेचर बिटवीन द सैचुरेटेड एंड द सुपर हीटेड रीजन. सो दिस इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ सुपर हीटिंग. हमारे पास डिग्री ऑफ सुपर हीटिंग को हम डिफाइन करते हैं यहाँ पे एंथैल्पी, डिग्री ऑफ सुपर हीटिंग को हम डिफाइन करते हैं, इट इज द टेम्परेचर टी सुपर हीटिंग माइनस टी सैचुरेटेड. जितनी हीट यहाँ पे ऐड हुई बेसिकली हमारे पास कहती है एम डॉट सी पी कॉन्स्टेंट प्रेशर के ऊपर हो रही है डेल्टा टी, और वी नो डेट सी पी डेल्टा टी आल्सो इक्वल टू डेल्टा एच, तो क्यू किसके इक्वल आ जाएगा, एम डॉट डेल्टा एच. तो इस तरह हम यहाँ से एंथैल्पी फाइंड आउट कर सकते हैं ऑफ द सुपर हीटेड रीजन. क्लियर है ये पॉइंट? यस यस. सो दिस इज द टेम्परेचर एंथैल्पी डायग्राम फॉर द टू फेस और द स्टीम सिस्टम. अच्छा अब अभी तक जो हमने फार्मूलाज पढ़े थे, लाइक हमने वर्क उसका फार्मूला आइसोथर्मल कंप्रेशन, आइसोथर्मल एक्सपेंशन या जो भी हमने फार्मूलाज ड्राइव किए थे उनको भी हम यूटिलाइज कर सकते हैं टू फेस के लिए. आपके पास लेट से एक न्यूमेरिकल आ जाता है जिसमें कहता है कि आपने वाटर जो है इनिशियली 0 डिग्री सेल्सियस पे था, हमने उसको हीट अप किया 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, तो डेफिनेटली वी नो डेट 0 डिग्री सेल्सियस पे वो आपको बता देगा कि वो किस फॉर्म में था, सॉलिड फॉर्म में था. 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर वो किस फॉर्म में आ गया, वेपर फॉर्म में आ गया. हमने किसके करेक्टरिस्टिक्स पढ़े हैं, लिक्विड और वेपर के करेक्टरिस्टिक्स पढ़े हैं. तो इट मींस आपके पास बिटवीन द टू फेजेस लिक्विड एंड टू, अब लेट्स सी इन बिटवीन एक टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे वाटर जो है वो
लिक्विड फॉर्म एग्जिस्ट कर रहा है। तो अब लिक्विड के लिए जो इंथैल्पी देख लोगे वो एच एफ देख लोगे, वेपर के लिए जो इंथैल्पी देख लोगे वो एच जी आप देख लोगे। यहाँ से उसी इंथैल्पी को यूज करते हुए आगे जो भी हमारे पास, जैसे हमने हीट कैलकुलेट करनी है एम सी पी डेल्टा टी एम डेल्टा एच है, तो यहाँ पे हमारे पास अगर हमने वेपर फॉर्म की कैलकुलेट करनी है तो एम एच जी आ जाएगा, एच जी माइनस एच, जो भी हमारे पास फॉर्म होगी वहाँ पे कोरस्पॉन्डिंगली इंथैल्पी की वैल्यूज पुट करके हम उसको जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। बाकी आपको एक और जो इम्पोर्टेंट था इसमें वो इंटरपोलेशन थी। इंटरपोलेशन के लिए एक सिंपल फॉर्मूला आप लोगों को बताया हुआ है, एक्स टू माइनस एक्स वन सॉरी वाई टू माइनस वाई वन इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन एक्स माइनस एक्स वन। वाई और एक्स आपके दो अननोन वेरिएबल हैं, इनमें से एक नोन होगा एक अननोन होगा, एक को जो भी आपके पास नोन है किसी एक वेरिएबल को वाई पुट कर सकते हैं, किसी एक वेरिएबल को एक्स पुट कर सकते हैं। इस फॉर्मूला को यूज करते हुए हम किसी भी स्टीम टेबल के किसी भी पॉइंट की वैल्यूज जो है उनको फाइंड आउट कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्टीम टेबल। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लें। वन बाय वन। हाँ जी असल पूछो। मैम हमें कैसे पता चलेगा कि हम ये अगर डील कर रहे हैं टेम्परेचर के साथ तो कौन सा टेम्परेचर सुपर हीटेड है और कौन सा टेम्परेचर सैचुरेटेड है? अच्छा स्टीम टेबल है आपके पास? यस मैम। स्टीम टेबल ओपन कर लो अपना। कर लिया आप सब? ओपन कर लिया आपने? Yes, ma'am. अच्छा अब देखो हमारे पास क्या है, स्टीम टेबल के अंदर तीन चीजें गिवन है। सबसे पहले देखो सैचुरेशन टेम्परेचर टेबल गिवन है, फिर सैचुरेशन प्रेशर टेबल गिवन है, और फिर मेरे पास क्या गिवन है, सुपर हीटेड टेबल गिवन है। लेट्स से मेरे पास एक प्रेशर गिवन है, पहले मैं टेम्परेचर टेबल को डिस्कस करती हूँ। मेरे पास टेम्परेचर गिवन है जीरो डिग्री सेल्सियस। जीरो डिग्री सेल्सियस के कोरस्पॉन्डिंगली उसका सैचुरेशन प्रेशर कितना है, 0.6119। इट मीन्स जब वाटर जीरो डिग्री सेल्सियस पे होगा तो कोरस्पॉन्डिंगली कितना प्रेशर होना चाहिए, इट शुड बी इक्वल टू 0.6119। तो वो किस फॉर्म में कन्वर्ट होगा, तो उसकी हम इंथैल्पी की टेबल को यूज कर सकते हैं। अच्छा जब हम सैचुरेशन टेबल के बाद जो सेकेंड टेबल मेरे पास आ जाता है, अभी ये आपका क्वेश्चन जो आपने पूछा सैचुरेशन प्रेशर टेबल। अब सैचुरेशन प्रेशर टेबल देखो, लेट्स से वो कहते हैं कि आपका प्रेशर 1 किलो पास्कल है। मैंने देखा है 1 किलो पास्कल के कोरस्पॉन्डिंगली मेरा टेम्परेचर क्या होना चाहिए, 6.99। इसका क्या मतलब है, वेन एवर द प्रेशर इज 1 किलो पास्कल टेम्परेचर शुड बी इक्वल टू 6.99 डिग्री सेल्सियस। अगर 1 किलो पास्कल के कोरस्पॉन्डिंगली आपको यही टेम्परेचर गिवन है तो आप कौन सा टेबल यूज करोगे, सैचुरेटेड टेबल की यूज करोगे। लेट से अब आपके क्वेश्चन में गिवन है, वो कहता है आपका प्रेशर 1 किलो पास्कल है, बट टेम्परेचर उसने आपको क्या है कि वाटर जो है इस टाइम 1 किलो पास्कल प्रेशर के ऊपर, बट टेम्परेचर उसका 10 डिग्री सेल्सियस है। अब आप कैसे चेक करोगे कि ये आज सुपर हीटेड में या सैचुरेटेड में, आप किस टेबल में जाओगे, प्रेशर टेबल में जाओगे। प्रेशर टेबल से देखोगे 1 किलो पास्कल के कोरस्पॉन्डिंगली सैचुरेशन टेम्परेचर कितना है, 6.9। आपका टेम्परेचर कितना है, 10 डिग्री सेल्सियस। इट मीन्स हमारी स्टीम किस रीजन में, हमारा फेस किस रीजन में लाइक करें, सुपर हीटेड रीजन में लाइक करें। क्लियर है अब ये पॉइंट? यस मैम। जब भी सैचुरेशन टेम्परेचर से टेम्परेचर ज्यादा होता जाएगा वो किस रीजन में आता जाएगा, सुपर हीटेड में। अब देखो थर्ड टेबल के ऊपर आ जाओ, दिस इज द सुपर हीटेड टेबल। अब इस सुपर हीटेड टेबल में देखो आप 0.1 मेगा पास्कल के कोरस्पॉन्डिंगली 45 से लेके कहां तक प्रेशर गिवन है आपको, 1300 डिग्री सेल्सियस तक प्रेशर गिवन है। जो हमेशा टेबल के अंदर पहला प्रेशर ये कि टेम्परेचर क्या है, दिस इज द सैचुरेशन। इट मीन जब प्रेशर 0.1 मेगा पास्कल का है तो वाटर कितने टेम्परेचर के ऊपर बॉयल हो रहा है, 45 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। जैसे जैसे 45 से टेम्परेचर इंक्रीज करते जाओगे वो किस रीजन में आता जाएगा, सुपर हीटेड रीजन में आता जाएगा। क्लियर है अब ये पॉइंट? यस मैम। अगर हमारे पास प्रेशर हो 2.04 मेगा पास्कल तो उसके लिए फिर क्या करेंगे? दोबारा पूछो, दोबारा मुझे आवाज नहीं। मैम अगर हमारे पास प्रेशर क्वेश्चन में प्रेशर गिवन हो 2.04 मेगा पास्कल तो उसके लिए 0.04 मेगा पास्कल मैम 2.04 जो कि यहाँ टेबल में नहीं गिवन। जी मिस नहीं है, आपने वैसे वो लेक्चर रिवाइज नहीं किया है इसलिए आप लोगों के पास नहीं है। लेट से अब आपके पास लेट से एक प्रेशर गिवन है बिटवीन 0.5 एंड 0.1 मेगापास्कल।
ऐसा ही है, इन बिटवीन किस इनके दो वैल्यूज गिवन है हमारे पास, या कोई भी वैल्यू है जो कि लाइक करिए 0.05 से ग्रेटर और 0.1 से लेसर है। अच्छा अब सबसे पहले देखो आपके पास दो चीजें गिवन होंगी, पहला क्या होगा हमारे पास प्रेशर, सेकंड क्या गिवन होगा टेम्परेचर। सुपर हीटेड के अंदर ये दोनों पैरामीटर हमारे पास मस्ट गिवन होंगे, तभी हमें पता चलेगा ना कि स्टीम सुपर हीटेड है। अब लेट से आप कहते हो प्रेशर है 2.04 और टेम्परेचर कितना है, हमारा टेम्परेचर कितना है मैम क्वेश्चन में? नहीं आपके पास कोई टेम्परेचर भी तो गिवन होगा ना इसके कोरिस्पोंडिंगली। मैम मैं टेम्परेचर देख रहा हूँ। चलें लेट्स से टेम्परेचर है 112 डिग्री सेल्सियस, मैंने एक टेम्परेचर ज्यूम कर लिया मैम। जी ठीक है, ठीक है मैम, ठीक है। अब देखो अब आप आ जाओ स्टीम टेबल के ऊपर। आपके पास सबसे पहले आपने देखा, आपने चेक कर लिया कि ये सुपर हीटेड में या सैचुरेटेड में, आपने डिसाइड कर लिया कि ये सुपर हीटेड रीजन में है। अब सुपर हीटेड रीजन में डिसाइड करने के बाद आप टेबल के ऊपर आए। सुपर हीटेड में आपके पास जो वैल्यूज गिवन थी वो हमारे पास क्या है, 2 और 3 मेगा पास्कल है। 2.04 मेगा पास्कल यहाँ पे नहीं गिवन। आपने क्या किया, यहाँ से 2 मेगा पास्कल लिया और 3 मेगा पास्कल लिया। अब आपने क्या देखना है, टेम्परेचर डिसाइड करना है। जब हमने टेम्परेचर देखे तो हमारे पास जो टेम्परेचर रेंज थी वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 212 से स्टार्ट होके वो कहाँ तक जा रही है, 1300 डिग्री सेल्सियस तक जा रही है। लेकिन इन बिटवीन मेरा जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर था वो भी इन बिटवीन यहाँ पे नहीं गिवन। अब लेट्स से मेरे पास यहाँ पे जैसे 250 और 300 है, अब मैं टेम्परेचर कहती हूँ जैसे 275 है, ठीक है। अब आप सबसे पहले क्या करोगे, 2 मेगा पास्कल और 3 मेगा पास्कल के ऊपर 275 का टेम्परेचर सबसे पहले आप इंटरपोलेट करोगे। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, हमारे पास प्रेशर कितने हैं 2.04 और टेम्परेचर किसके बिटवीन लाइक कर रहे हैं, 250 और 300 के इन बिटवीन लाइक कर रहे हैं। अब लेट से वो टेम्परेचर क्या आ गया, मैंने कह दिया कि एक टेम्परेचर है 275 डिग्री सेल्सियस, 112 बहुत छोटा है, 275 डिग्री सेल्सियस। अच्छा अब यहाँ से मेरे पास एक देखो प्रेशर कितना गिवन है 2 मेगा पास्कल का, और एक प्रेशर कितना गिवन है 3 मेगा पास्कल का। एक टेम्परेचर है 250 और एक टेम्परेचर है 300। अब हमने सबसे पहले क्या करना होगा, अगर इस तरह की कंडीशन है कि जिसमें ना तो प्रेशर हमारे पास है और ना ही टेम्परेचर है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, टेम्परेचर के लिए इंटरपोलेशन करोगे। अब 2 मेगा पास्कल के ऊपर इंटरपोलेशन करोगे 275 डिग्री सेल्सियस के लिए, इट मीन्स इनथैल्पी की वैल्यू एट 250 लेट से वो H1 आ गई, एट 300 वो H2 आ गई, और 275 के ऊपर जो हमने कैलकुलेट करनी है वो क्या आ जाएगी, H आ जाएगी। सारी वैल्यूज यहाँ पुट करोगे, टेम्परेचर की वैल्यूज को लेट से मैं कह देती हूँ दीज आर द Y वैल्यूज, और इनथैल्पी की वैल्यूज मेरे पास क्या है, X वैल्यूज है। तो यहाँ से मेरे पास अनमन क्या आ जाएगा, X, Y की जगह पे आप क्या पुट करोगे 275, Y1 की जगह पे क्या पुट करोगे 250 और Y2 की जगह पे 300, X2 की जगह पे ये H2 की वैल्यू 300 के ऊपर, और X1 की जगह पे 250 के ऊपर जो H1 की वैल्यू है वो पुट करोगे। तो यहाँ पे देखो जो H की वैल्यू आएगी वो क्या होगी, इट विल बी वैल्यू ऑफ इनथैल्पी एट 2 मेगा पास्कल एंड 275 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है ये पॉइंट? जी मिस क्लियर है। जी मिस ठीक है। अब क्या करोगे, 3 मेगा पास्कल के ऊपर देखोगे। अब 3 मेगा पास्कल के ऊपर भी आपके पास टेम्परेचर था 250, आपने किसके ऊपर फाइंड करना है, 275 के लिए फाइंड आउट करना है, और एक टेम्परेचर है 300 डिग्री सेल्सियस। ये किसकी वैल्यूज आ गई, दिस इज द Y1, ये Y आ गया, ये Y2 आ गया। 250 के ऊपर जो इनथैल्पी की वैल्यू थी वो क्या आ गई, X1 आ गई। यहाँ पे x हमने फाइंड आउट करना है, और x2 किसके इक्वल आ गया, डेट इज इक्वल टू इनथैल्पी वैल्यू एट 300 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ से जो h की वैल्यू आएगी डेट इज द 3 मेगा पास्कल के ऊपर इनथैल्पी की वैल्यू, और टेम्परेचर कितने 275 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर सेम हो गया दोनों इनथैल्पीज के लिए। अब हमने क्या करना है, प्रेशर देखना है। अब मुझे पता है कि प्रेशर कितना रिक्वायर्ड है मुझे, मेरे पास एक प्रेशर है 2 मेगा पास्कल का, एक मेरे पास प्रेशर है 3 मेगा पास्कल का, और मैंने फाइंड किस प्रेशर के ऊपर करना है, 2.04 मेगा पास्कल के ऊपर। मैं भी यहाँ से समझ नहीं आई, कहाँ पे समझ नहीं आई, ये जहाँ से आपने ये H2 मेगा पास्कल और ये 275 डिग्री की है, यहाँ से पहले स्टेप से समझ नहीं आई? नहीं नहीं, इससे नीचे मैं यहाँ से, जी जी, इससे ये H2 ये वाला कह रहे हो, ये वाला कह रहे हो यहाँ से, जी जी बिल्कुल यही से मैं,
ये देखो मैंने बताया कि हमारे पास दो प्रेशर हैं, 2 मेगापास्कल और 3 मेगापास्कल का. 2 मेगापास्कल और 3 मेगापास्कल के इन बिटवीन हमने डिसाइड कर लिया कि हमारी वैल्यू लाई करिए 2.04. फिर हमने क्या देखा, टेम्परेचर की वैल्यूज देखी. हमें टेम्परेचर रिक्वायर्ड था 275 डिग्री सेल्सियस, बट टेबल में मेरे पास टेम्परेचर गिवन है 250 और 300. अब मुझे यहाँ से आइडिया हो गया कि 250 और 300 के इन बिटवीन ही 275 लाई कर रहा है, तो इट मीन्स अगर मैं 250 और 300 के लिए इंटरपोलेशन करूँगी तो मेरे पास 275 का टेम्परेचर आ जाएगा. मैंने क्या किया, टेम्परेचर की वैल्यूज को वाई वैल्यूज लिया. वाई वन किसको ले लिया, 250 डिग्री सेल्सियस को. वाई टू किसको ले लिया, 300 डिग्री सेल्सियस को. और वाई की वैल्यू क्या आ गई, 275, जिसके ऊपर मैंने फाइंड आउट करना है. Correspondingly 250 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जो एच वन की वैल्यू थी वो क्या आ गई, एक्स वन. वो तो आपके पास ये देखो ना टेबल में गिवन है. 250 के correspondingly आपके पास ये H की वैल्यू भी गिवन है, ये 284. यहाँ से देखो 300 के correspondingly भी हमारे पास H की वैल्यू गिवन है. तो इन वैल्यूज को मैंने यहाँ पुट किया तो अननोन जो मेरे पास एक्स की वैल्यू आई वो बेसिकली क्या है, वैल्यू ऑफ एंथैल्पी है जिस प्रेशर के ऊपर मैंने फाइंड आउट किया है और कितने टेम्परेचर के ऊपर, 275 डिग्री सेल्सियस के ऊपर. अब क्लियर है ये पॉइंट? यस मिस, अब क्लियर हो गया. अच्छा अब देखें, अब मेरे पास मेरे दोनों इंथैल्पीज का टेम्परेचर कितना हो गया, 275. अब मुझे किसकी याद चाहिए, प्रेशर इंटरपोलेशन करनी है. अब देखो मेरे पास कितना प्रेशर गिवन है, 2 मेगापास्कल का और 3 मेगापास्कल का, और पूरे के पूरे सिस्टम का टेम्परेचर क्या है, 275 डिग्री सेल्सियस. अब मैंने क्या किया, 2 मेगापास्कल के ऊपर इंथैल्पी की वैल्यू कितनी निकाली है, ये जो मेरे पास ये वैल्यू आई हुई है, ये एच ये आ गई, एच एच 2 मेगापास्कल. और 3 मेगापास्कल के ऊपर मैंने एच की वैल्यू निकाली है, वो मेरे पास ये आ गई. अब ये वैल्यू क्या होगी, दिस इज द वाई वन, ये वैल्यू किसकी आ गई, वाई की आ गई. ये वैल्यू किसकी आ गई, वाई टू की आ गई. ये इसके कोरिस्पॉन्डिंग जो मैंने वैल्यू फाइंड आउट की थी, ये एक्स वन आ गई. ये वैल्यू किसकी आ गई, एक्स टू आ गई. अब ये जो मेरे पास अननोन वैल्यू, ये एक्स की वैल्यू है. अब ये एक्स की वैल्यू क्या हमें देगी, दिस इज द वैल्यू ऑफ एंथैल्पी एट अ प्रेशर ऑफ 2.04 मेगापास्कल एंड टेम्परेचर ऑफ 275 डिग्री सेल्सियस. क्लियर है ये पॉइंट? मिस ये दोबारा से बताइएगा एक्स वन और एक्स टू की वैल्यूज का. X1 की वैल्यू जो हमने इंथैल्पी की वैल्यू फाइंड आउट की है 2 मेगापास्कल एंड 275 डिग्री के ऊपर, वो X1 की वैल्यू आ गई. देखिए आपने Y1 कितना लिया, 2 मेगापास्कल लिया ना जी मिस, और Y2 मैंने क्या लिया, 3 मेगापास्कल लिया. तो उसके ऊपर जो मैंने इंथैल्पी की वैल्यू फाइंड आउट की थी वो X2 आ गई. अननोन क्या है, मेरे पास X है और वो क्या होगी, इंथैल्पी की वैल्यू होगी जिस प्रेशर और टेम्परेचर के ऊपर मैंने फाइंड आउट करनी है. उसके लिए हमने क्या करना, कितना एरर आ रहा हो. तो अगर मैम टेबल के अंदर आप लोगों का 10 to 15 लाइक एक वैल्यू, एक की वैल्यू आ रही है 200 और एक की वैल्यू आ रही है 210, तो दोनों की वैल्यूज ठीक मानी जाएंगी. ओके ठीक है, ठीक है. लेकिन अगर एक एक वैल्यू 200 और एक वैल्यू डायरेक्ट आपकी 300 पे चली गई है, तो वो डेफिनेटली वहां भी आपने कोई ना कोई मिस्टेक की है. इतना एरर एक्सेप्टेबल नहीं होगा. ठीक. हाँ जी क्लास, कोई और क्वेश्चन? नो मिस. इसके बाद मैं दोबारा से स्टीम टेबल को रिवाइज नहीं करूंगी, क्योंकि आज का लेक्चर तो चले अब इसके ऊपर हो ही गया ना. नेक्स्ट क्लास से फिर मैंने एक नया टॉपिक स्टार्ट करना है, तो आज अगर कोई क्वेश्चन है यहाँ तक तो प्लीज पूछ लें. अच्छा ये चैप्टर नंबर 4 था रेनर जोएल का. आप लोगों ने इसकी एग्जांपल प्रॉब्लम्स जो हैं वो भी सारी करनी है. जैसे वॉल्यूम है, यहाँ पे उसने वॉल्यूम कैलकुलेट करने को दिया हुआ है, वॉल्यूम भी कैलकुलेट करने का आ सकता है. सेम फार्मूला जो है वॉल्यूम के लिए यूज करते हैं. वेट स्टीम का वॉल्यूम क्या होगा, वी एफ. ड्राई स्टीम का वॉल्यूम हमारे पास क्या होगा, वी जी. आपके पास ये देखें ये सारी चीजें जो हैं वो गिवन है यहाँ पे. इसी तरह हमारे पास प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम है, यहाँ पे सेम वही है. सैचुरेटेड लिक्विड लाइन होती है, सैचुरेटेड वेपर लाइन होती है, इन बिटवीन वेपर रीजन होता है. एग्जांपल्स देख लें. एग्जांपल नंबर 34 भी मैंने आप लोगों को क्लास में करवाई है.
अच्छा उसके बाद एग्जांपल नंबर 35 भी आप लोगों ने करनी है, इसमें कुछ भी नहीं है, इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करनी है। अब हमें पता है हमने इंथैल्पी का फॉर्मूला देखें क्या लिखा था, एच हमने लास्ट टाइम इंथैल्पी का फॉर्मूला एच इज इक्वल टू यू प्लस पी वी। अगर यहाँ पे हमें वो कहते हैं कि लिक्विड जो है उसकी इंथैल्पी जो है इंटरनल एनर्जी फाइंड आउट करनी है, तो आप ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एच एफ इज इक्वल टू यू एफ प्लस प्रेशर इंटू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। यही फॉर्मूला अगर मैं वेपर के लिए अप्लाई करना चाहूँ तो मैं क्या बन जाएगा, एच जी यू जी प्लस प्रेशर इंटू स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ द वेपर। तो आप वही फार्मूलाज जो हैं उन्हीं फार्मूलाज को यूटिलाइज करते हुए फार्मूलाज वही हम यूज़ करें, सिर्फ उसके अंदर हमने इंथैल्पीज को, अगर लिक्विड गिवन है तो लिक्विड इंथैल्पी यूज़ करनी है, वेपर गिवन है तो वेपर इंथैल्पी यूज़ करनी है, वेट रीजन में गिवन है तो हमने वेट रीजन की इंथैल्पी यूज़ करनी है। जस्ट ये हमारे पास जो है वो डिफरेंस वहाँ पे लाइक कर रहा है। अच्छा उसके बाद देखिए हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 35 आप लोगों ने करनी है। उसके बाद मैंने आप लोगों को करवाया इसमें से ड्राइनेस फ्रैक्शन क्या होती है, ये ड्राइनेस फ्रैक्शन की उसका फार्मूला गिवन है। अच्छा अब ये जो उसके अंदर उसने यहाँ पे ये जो फार्मूला लिखा है एच इज इक्वल टू एच एफ प्लस एक्स इंटू एच एफ जी, डायरेक्ट फार्मूला यूज किया मैंने आप लोगों की, इसकी कंप्लीट डेरिवेशन करवाई हुई है। तो आप लोग वो डेरिवेशन जो है आप लोगों को अच्छी तरह आनी चाहिए, क्योंकि ये फार्मूला जो है वो थ्रू आउट आगे सब सब्जेक्ट्स में आप लोगों का यूज होना है। अच्छा उसके बाद थ्रॉटलिंग जो है हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ था, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में थ्रॉटलिंग क्या होती है, थ्रॉटलिंग की हमने ये वाली इक्वेशन जो है वो भी ड्राइव की थी कि आइसेंथैल्पिक प्रोसेस क्यों कहते हैं। उसके बाद हमारे पास थ्रॉटलिंग की एग्जाम्पल नंबर 37 मैंने आप लोगों को करवाई है, इसको भी देख लीजिएगा। एग्जाम्पल नंबर 38 भी आप लोगों ने करनी है। उसके बाद थ्रॉटलिंग कैलोरीमीटर ये वाला टॉपिक एक्सक्लूडेड है। जो एग्जाम्पल है जैसे एग्जाम्पल नंबर 39 देखें यहाँ पे अब सारी की सारी इंटरपोलेशन हुई भी है, ये भी एग्जाम्पल जो है वो ये मैंने आप लोगों को क्लास में एज अ प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी दी थी। हमारे पास टेम्परेचर कितने है, प्रेशर है 2.2 का और टेम्परेचर है 112, तो यहाँ पे देखें ये वाली भी हम लोग आप लोग एग्जाम्पल कीजिएगा। अच्छा उसके बाद हमारे पास ये कंबाइंड सेपरेटिंग एंड थ्रॉटलिंग कैलोरीमीटर ये वाला टॉपिक 4.26 एक्सक्लूडेड है। अच्छा उसके बाद ये देखिए आगे ये हमारे पास प्रोसेसेस आ जाते हैं, लाइक कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, तो उन्हीं प्रोसेसेस को अब हमने क्या किया है, किसके साथ चेंज कर दिए, इंथैल्पीज को चेंज के साथ, लाइक एच वन एच टू के साथ हमने चेंज कर दिए। तो ये सारे प्रोसेसेस जो आप लोगों ने एक बार देख लेने हैं अभी। और जो एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स के बाद अगर एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स कर लेते हैं तो वो सफिशिएंट है, आप लोगों को क्वेश्चंस के पीछे यहाँ से प्रॉब्लम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर एग्जाम्पल प्रॉब्लम आप लोग सारी नहीं करेंगे तो पेपर आप लोगों का सॉल्व नहीं होगा, मैं बहुत क्लियरली आप लोगों को बता रही हूँ। अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ पूछ लें। ये बुक कौन सी है दोबारा बता दें? ट्रेनर जोएल बेटा, अपलोड की हुई है मैंने। बस इसकी लेक्चर कब तक अपलोड हो जाएगा? कौन सा लेक्चर? मैंने वीडियो लेक्चर्स अपलोड कर दी हैं मैं। सो आई थिंक वो इस वाले लेक्चर का पूछ रहा था मैम। इसकी बस जो एग्जांपल्स हैं इस बुक के अंदर से, जिस तरह ये एग्जांपल ये जो अभी आपने बताई है और जितने भी हैं, इन एग्जांपल्स की जस्ट प्रैक्टिस करने इनफ है ये एग्जाम के लिए? इनफ होंगी, बिल्कुल इनफ होंगी, अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस इनका कॉन्सेप्ट के साथ प्रैक्टिस कर लेते हैं, रटा नहीं कॉन्सेप्ट के साथ प्रैक्टिस कर लेते हैं तो डेट विल बी सफिशिएंट। कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो इसमें कोई मसला नहीं है प्रॉब्लम सॉल्व करने में। आप लोग कोई बुक या हो जहाँ पे आपको इसमें क्वेश्चंस वगैरह अवेलेबल हो करने के लिए, इसके अलावा आप सेंजल की बुक के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन है। उसमें वो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी वर्क ऐड कर देता है, स्प्रिंग वर्क ऐड कर देता है, ये चीजें ऐड कर देता है। चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था उसको, तो वो एक एक्स्ट्रा आ रही थी उसमें, और चैप्टर नंबर 1 में वो मैनोमीटर और बैरोमीटर्स भी आ रहे थे उसमें। नहीं मैं बताती हूँ एक मिनट, चैप्टर नंबर 2 नहीं है, नहीं चैप्टर 2 ही है। अच्छा ये देखें चैप्टर 2 के अंदर ही देखें,
चैप्टर टू नहीं चैप्टर थ्री है मेरे ख्याल से, वो एक मिनट देखना, ये चैप्टर नंबर थ्री है प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस। मैं एक्चुअली ना मिड्स के लिए जब प्रिपरेशन कर रहे थे ना तो चैप्टर नंबर टू से ना क्वेश्चन वगैरह देख रहे थे ना करने के लिए, तो वो पावर वगैरह उसमें आ रही थी, डिफरेंट मिस चीजें आ रही थी, तो उसको फिर छोड़ के वही चीजें की जो आपने फिर दी थी वर्कशीट वगैरह में ना, तो उसी को फिर देखा था खाली। हाँ तो अब ये देखें, अगर आप लोग यहाँ से देखना चाहें तो ये चैप्टर नंबर थ्री है यूनस सेंजल का, यूनस सेंजल का चैप्टर नंबर थ्री है जो कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। इस चैप्टर थ्री के अंदर सारी ये देखें, जैसे ये पीवी सब डायग्राम्स भी गिवन है, ये पीवी डायग्राम भी गिवन है, प्रेशर टेम्परेचर डायग्राम भी गिवन है, ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आ जाएंगे इसके अंदर, ये सिंपल है। एग्जाम्पल 3/1 है, एग्जाम्पल 3/2 है, 3/3 है, ये बिल्कुल सिंपल एग्जाम्पल प्रॉब्लम है जिस तरह के मैंने आप लोगों को क्लास में करवाए हैं। ये ड्राइनेस फ्रैक्शन आ गई है, तो अगर आप लोग ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहें तो आप इसके प्रॉब्लम भी देख सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल ये 3/4 है, ठीक है जी मिस, ठीक है। जहाँ भी वर्ड सैचुरेशन का आ जाएगा इट मीन्स वो चीज 100% या